नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर हमें कोई ऐसी होम रेमेडी बताइए कि जो कि अंदरूनी कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, यौन समस्याएं, शीघ्र पतन, धातु रोग, नपुंसकता, बांझपन जैसी कई समस्याओं से हमें छुटकारा मिल जाए। साथ ही साथ ऐसे भी लोगों ने मुझे कमेंट किया कि जिनके हाथ पैर जोड़ों में, कमर में, पीठ में हमेशा दर्द बना रहता है, जिनका दुबला पतला शरीर है, हड्डियाँ कमजोर हो चुकी है, बॉडी में कैल्शियम की कमी हो चुकी है, समय से पहले चेहरा पक चुका है यानी कि बूढ़ा हो चुका है, जवानी में भी उनके बुढ़ापा आ चुका है, उनकी जिंदगी से जोश बिल्कुल गायब हो चुका है, ऐसे लोगों के लिए आज मैं एक जबरदस्त इतना भयंकर नुस्खा लेकर आया हूं जिसके कुछ दिन के इस्तेमाल से ही आप देखोगे आपकी बॉडी में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बस आप इस वीडियो को एक एक बात को ध्यान से सुनते जाइएगा, साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों आपको यह जानकारी जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके सामने लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर कुछ छुआरे लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, छुआरे हर तरह की अंदरूनी कमजोरी को, शारीरिक कमजोरी, खून की कमी, यौन समस्याएं हो या फिर दुबला पतला शरीर, बॉडी में ताकत की कमी, जोड़ों में दर्द की समस्या होना, समय से पहले बालों का पक जाना यानी कि बालों का सफ़ेद हो जाना, चेहरे की स्किन का लूज हो जाना, और साथ ही साथ वे सभी लोग जो एक निश्चित आयु के बाद में जिनमें कई यौन समस्याएं हो जाती है, आजकल तो नौजवान युवकों में भी यौन समस्याएं पाई जाने लगी है क्योंकि वो रात भर इंटरनेट और गूगल पर ऐसी ऐसी मूवीज देखते हैं जिसके बाद में उनमें शारीरिक कमजोरी आना स्वाभाविक हो जाता है, और जब उनका विवाह हो जाता है, शादी हो जाती है, तो वो अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो दोस्तों आप इस नुस्खे को एक बार जरूर ट्राई करके देखें, आपको इसके 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको किस तरह से छुआरे का इस्तेमाल करना है, कब करना है और कितनी मात्रा में करना है, इन सभी बातों को जानने के लिए आप मेरे साथ में बने रहिए। दोस्तों आपको रात को 2 से 3 की संख्या में आपको छुआरे लेने, साथ ही आपको एक मुट्ठी भर या फिर 20 से 25 किशमिश के दाने लेने, इनको आपको रात भर पानी में भिगो देना है। सुबह उठ करके खाली पेट इनको पानी में से निकाल लेना है। निकालने के बाद में दोस्तों आप इन दोनों चीज़ों को, दोनों मेवों को अच्छे से चबा चबा करके खाएं। आपको इतना चबाना है कि मुँह में घुल जाए, बिल्कुल पानी बन जाए, उसके बाद में आपको इसको खाते रहना है। उसके बाद में दोस्तों आपको लगभग 1 गिलास दूध का लेना है और उस आपको दूध के गिलास को भी पी लेना है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप 1 गिलास दूध का लीजिए, उसमें आप 2 से 3 छुआरे डाल दीजिए उनकी गुठलियों को निकाल करके, और उसको जब तक पकाए जब तक दूध गाढ़ा न हो जाए, उसके बाद में आप उसे गैस से उतार ले और उसे ठंडा होने के लिए रख दे। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो आप उन्हें खजूर को निकाल निकाल करके खा ले, और ऊपर से वो जो गाढ़ा दूध है वो आप उसका भी सेवन कर ले। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बॉडी से नपुंसकता, शीघ्र पतन, धातु रोग, जो भी आपकी अंदरूनी कमजोरी है, यौन समस्याएं, सारी की सारी कमजोरियां दूर होने लगेगी, आपकी समस्याएं दूर होने लगेगी। साथ ही आपकी बॉडी में 70 की उम्र में भी 20 और 25 की जैसा जोश देखने को मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।